किसी भी राज्य का विकास उसकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था, उसकी रोजगार और सबसे अहम अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर करता है। और बंगाल में स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है ये जानने के लिए हम सीधे पहुंच गए कोलकाता के जाने माने सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल में। मैं कैमरामैन को कहूंगी कि यहाँ की कुछ तस्वीरों को आप सभी दर्शकों को दिखाएं। जैसा कि कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में जो है लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलती है, मरीजों को सस्ते कीमत में अच्छी सुविधा मिलती है और यही कारण है कि इस अस्पताल में बंगाल के कई ज़िलों से यहां पर मरीज आते हैं ताकि कम पैसे में उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी हर सुविधा मुहैया कराई जा सके। मगर दूसरा एंगल ये भी है और इसी अस्पताल से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां देखा जाता है कि मरीजों को ऐसे ही ज़मीन पर फेंक कर रखा गया है क्योंकि बेड की सुगम व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं रहते हैं जब वो दूर दराज से यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे और बात करेंगे यहाँ पर पहुँचे मरीजों से कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वे किसी अपने का इलाज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आलादा एक टा लाइन होक ताहले आम्रा सुविधा पाबो। आमी जेमन प्रतिबंधी आछि, आमी आसछि, आमाके एकजन टिकिट काउंटारे बोललो कि जे तोमादेर तो हैंडिकैपेर जन्य आलादा ई नेइ, तो तोमाके लाइने दाड़ाते हबे। एटाई आमि ई पेलाम যে রিপোর্টটা আবার দুই সপ্তাহ পরে। হ্যাঁ, সেইগুলো যে তো আবার অনেকে দূর দূর থেকে সবাই তো আসে, কেউ তো আর কাছাকাছি না, সবাই দূর দূর থেকে আসে। এখানে চিকিৎসা ভালো রকম হচ্ছে না, কবুল হবে আমরা মূর্খ মানুষ, আমরা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আর বাচ্চা দেখাতে দিয়ে বাচ্চা দেখাতে এসে তো যেখানে সেখানে শুয়ে থাকতে হচ্ছে রাস্তার কোলে, খাওয়া দাওয়া ক্যান্টিনে টাকা দিয়ে। হ্যাঁ, কি হয়েছে? এই বাচ্চার বুকের সমস্যা। কোথা থেকে আসছেন? জেলা মুর্শিদাবাদ। আপনি ডেট দিলে তো ওই ডেট পায়ে তো আসতে হবে। আমাদের কথা অনুযায়ী মেজাজ করা হয়। এক কথাই, এখানে কি করছো? সাইডে দাঁড়াও, সাইডে দাঁড়াও, একটা কোনো কথা বলার মানে কোনো মুখ খোলার মানে ই নেই যে একটা কোনো সমস্যা হলে বলবো কি কিছু। এখানে আপনাদের কি কাজ? এটাই ওদের লাস্ট কথা। তাড়াতাড়ি যে সার্ভিসটা দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে না। ওই ডেট দিচ্ছে, আবার আসতে হবে 10 দিন পরে। এখানে ছবি করতে বলছে এমার্জেন্সি, আর এখানে ছবি করতে এসে সুপারের সই লাগবে বলছে। পুলিশকে জিজ্ঞেস করছি, পুলিশ বলছে এখানে সুপার বসে না দেখছে। আর একটা গাইনি পেশেন্ট, গাইনি ওয়ার্ডে গিয়েই ওখানে এন্ট্রি করার কোনো প্রয়োজন নেই, এই ওয়ার্ডে এসে এন্ট্রি করার কোনো প্রয়োজন নেই, ওখানে গিয়ে টিকিট করেই ডাইরেক্ট দেখানো যাবে ডাক্তার। এখানে যেখানে 10টা লোক আছে ওখানে দেখিয়ে আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি বাড়ি চলে যেতে পারবো। সেখানে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে মোটামুটি 2 ঘন্টা লেগে গেল। তাহলে মানে যেখানে যারা স্টাফ যারা তারা প্রসেসিং করতে জানে। হ্যাঁ, বলেছি তো, সব রকম বলছি যে আমাদেরকে আমরা কি করে বসবো, তো লিখে দিয়েছে, ডেট লিখে দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে আসছি। আপনার ইসিজি করা হয়েছে? আর আপনার ইসিজি করার পরে রিপোর্টে বলছে কিছু নেই বলছে। মেডিকেল কলেজে রোজ 8000 রুপি আসে আউট। এবার আমাকে স্পেসিফিক পেশেন্ট উইথ কেস আমার কাছে আনতে হবে। দু নম্বর হচ্ছে নানা রকম কারণ থাকে, যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে হয়তো এলো সে মিদনাপুর থেকে এলো বা সে বহরমপুর থেকে এলো, আনার পরে দেখা গেল যে কোনো ইনভেস্টিগেশন নেই, আজকে তাহলে সে দেখালো, দেখি সে আজকেই এসে তো নিতে পারবে না কারণ তার খাওয়া হয়ে গেছে। हमने कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आए मरीजों से बातचीत की। कई लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा ही मरीजों के परिवार ने बताया। उन्होंने कहा कि हम दूर दराज से आते हैं मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा समय लाइनों में, जी हाँ, कतार में खड़ा होकर इंतजार करने में ही लग जाता है। और हमारे ये बात एक हैंडीकैप से भी हुई और उन्होंने आप बीती अपनी सुनाई। और इसके साथ ही मरीजों का कहना है कि जो कि दूर दराज से वो आते हैं और ऐसे में उन्हें डॉक्टर द्वारा लंबे गैप के लिए तारीख दी जाती है, जिस वजह से
उनका वहाँ से आना फिर कोलकाता आना उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहीं सुपर से जब हमने जाना कि मरीजों को यहाँ पर इन समस्याओं का क्यों सामना करना पड़ता है, तो सुपर ने बताया कि यहाँ पर हज़ार की तादाद में मरीज आते हैं चिकित्सा के लिए, और ऐसे में इन सारे मरीजों का एक समय में इलाज कर पाना काफ़ी दिक्कत भरा होता है। फिलहाल ये छवि ऐसी ना हो इस अस्पताल में, इस पर भी काम किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं पूनम, कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ बिग न्यूज़ कोलकाता।